दफ्तरों का। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इतिहास बनाया गया है जो शायद अब तक की किसी भी राज्य में हुई इन्वेस्टर समिट में नहीं हो पाया। अगर हम बात करें सबसे बड़ा अब तक का इन्वेस्टर समिट का इन्वेस्टमेंट की बात करें, निवेश की बात करें, तो गुजरात में 15 लाख तक का अधिकतम निवेश आया था, प्रस्ताव आए थे। और उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उस विचारधारा पर, उस नीति पर, उस कार्य योजना पर चलते योगी सरकार ने यहाँ पर 32,92,000 करोड़ का लक्ष्य स्थापित कर निवेश का प्रस्ताव लाकर 18,653 एमओयू साइन करा के एक बार स्पष्ट कर दिए कि सरकार की जो मंशा थी वो मंशा कहीं ऊपर जाकर आकर सिद्ध हुई है। अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लक्ष्य की, तो शुरुआत में लक्ष्य मैच 10 लाख करोड़ का रखा गया, तो उसके बाद ये लक्ष्य 15 लाख करोड़ हुआ, 17 लाख करोड़ हुआ, 22 लाख करोड़ हुआ। उसके बाद लगातार कल जब इन्वेस्टर समिट का पहला दिन था तो लक्ष्य बढ़ते बढ़ते 29 लाख करोड़ पहुंचा और फिर ये लक्ष्य पहुंच गया 32,92,000 करोड़ पर। और निश्चित रूप से ये लक्ष्य जो प्राप्त किया है प्रस्ताव का, इस लक्ष्य के प्राप्त होने के बाद तमाम तरह के जो मायने हैं वो सामने आ रहे हैं। मायने इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम तरह के समीकरण यहाँ पर साधे जाएंगे। समीकरण की बात करें तो लगभग जो पश्चिम है उस पश्चिम में देखें तो लगभग 50% से ज़्यादा का निवेश प्रस्ताव पश्चिम के लिए आए हैं, यानी 14 लाख से ज़्यादा के एमयू पश्चिम के लिए साइन हुए हैं। अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में लगभग 10 लाख करोड़ के एमयू साइन पूर्वांचल के लिए हुए हैं। इसके बाद अगर मध्य की बात करें तो लगभग 5 लाख करोड़ के एमयू मध्य उत्तर प्रदेश के लिए साइन हुए हैं और इतने ही बुंदेलखंड के लिए साइन हुए हैं, यानी लगभग 14 से 15% तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह यहाँ पर इतिहास बनाया गया है तो विपक्ष भी इस इतिहास पर अपनी प्रतिक्रिया देने शुरू कर दी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल और केवल जो निवेश के प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव हैं, ये अभी साइन हुए हैं, धरातल पर उतरने में अभी तमाम तरह की प्रक्रिया बाकी है और अगर ये हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर सुधरेगी। और अखिलेश यादव कल बनारस गए थे, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं भगवान शिवशंकर से प्रार्थना करता हूं कि भाजपा वालों की जो झूठ है झूठा साबित ना हो, कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर निवेश की बात, इतने बड़े निवेश की बात बीजेपी सरकार कर रही है तो निवेश पूरे हो जाए। खैर, विपक्ष है, विपक्ष का काम यहाँ पर जवाब देना है। आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं रहेगा तो भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था चलेगी कैसे? फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा कुछ बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते। अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, करीब 29,000-32,000 पता नहीं कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो साइन हो गए। अगर ये चीजें साइन हो गई और ये धरातल पर उतर जाए तो इसका स्वागत है, लेकिन ये स्वीकृति नहीं बन पाती है इस सरकार में कि ये क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, कर क्या रहे हैं, होगा क्या। संदेह के घेरे में हमेशा बने रहते हैं और उसके उसका नतीजा यह है कि जैसे जितनी बातें उन्होंने कही वो कोई चीज धरती पर नहीं आई, जमीन पे नहीं उतरा, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे वो लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात हो किसानों का। जितनी बातें सरकार ने कही 2014 से गवर्नमेंट बनी है, काफी समय हो गया, कोई रोजगार नहीं मिला। योगी सरकार ने बताया कि इतने एमयू साइन हुए, इतने रोजगार का सृजन हुआ, लेकिन कल जब सवाल किया गया नंदगोपाल नंदी जी से, जो मंत्री हैं, तब उनके पास जवाब नहीं था कि कितने युवाओं को हम लोग रोजगार दे पाए। तो इस तरह का ये आप कार्यक्रम करके सरकार की पीठ तो थपथपा देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे युवाओं को जो रोजगार की बात आती है, प्रदेश की जब खुशहाली की बात आती है, तब योगी सरकार विफल साबित होती है। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम की निंदा करती है कि इस तरह से जो कार्यक्रम करके आप लोगों ने जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको फिजूल खर्ची करने का काम किया है और युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का भी काम किया है। इन्वेस्टर समिट की और चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, ये चर्चा अमेरिका तक में है। वहाँ पर भी नैस्डैक टावर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो देखा है एलईडी के माध्यम से।
चर्चा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, मेहमान जोड़ के रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से अश्विनी साहिब प्रपक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस से उनके फायरबैंड प्रवक्ता विनोद सिंह अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा अश्विनी साहिब से। अश्विनी जी, कैसे देखते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर इतिहास बनाया गया और जैसे ही इतिहास बनाया गया वैसे ही विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। खैर, ये पहला वाक्य नहीं है जब विपक्ष सरकार द्वारा किसी भी काम पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं करता, पर चूंकि अगर निवेश के प्रस्ताव आए हैं, अगर इतिहास रचा गया है तो शायद इतिहास का कुछ समर्थन भी करना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? इस समय डबल इंजन की सरकार बहुत एक्टिव है। अच्छा। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ की जनता इस समय अपने बेहतर दिनों की, जो अच्छे दिन की बात करते थे लोग, वो अच्छे दिनों के उसमें जी रही है जी। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बढ़कर और आज सर्वोत्तम बढ़ने के होने की तरफ जो अग्रसर हुआ है, ये इन्हीं दोनों लोगों की देन है। अच्छा। आज कल का एक मैं भाषण सुन रहा था माननीय गृह मंत्री जी का, उन्होंने बहुत सही याद दिलाया कि यहाँ पर कुछ लोग पहले इन्वेस्टर समिट के नाम पर एक आयोजन करते थे जो दिल्ली और मुंबई में किया करते थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश की जगह नहीं थी उनके लिए। अच्छा। समाजवादी पार्टी ने तो इन्वेस्टर समिट कई सालों तक किया वहां पर सैफई में, जो रनवे बनवाया और सैफई में जहाज में हुई भी। सैफई में कब हुई इन्वेस्टर समिट? अरे सैफई में हर साल होती थी, पता नहीं मुंबई से कौन कौन लोग आते थे इन्वेस्टर लोग, वहां पर रंगारंग कार्यक्रम सब होता था। अच्छा। वो भी समिट था। अच्छा, समिट। लेकिन उनसे इतर आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये समिट करके इतिहास को रच दिया है। अच्छा। आज आज जाइए देखिए वहां, मैं तो आप तो पत्रकार है, कल भी गए होंगे, आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदल रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश का जो स्टार्टअप है, ODOP का मामला है, या जितने लोग आए हैं सबने जो दिया है, अगर इस चीज को मान लीजिए कि इसमें मैं कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें होती हैं सरकारों की, कुछ कहीं कार्यक्रम में जटिलता होती है, कुछ समय बदल जाता है, कुछ चीजें बदल जाती है, लेकिन 50% 70% भी अगर ये धरातल पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश के GDP का 4 गुने, वो बजट का 4 गुने से ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, जो कि प्राइवेट निवेश होगा। 6.25 लाख करोड़ का लगभग जो है बजट पेश किया गया था पीछे जी। और अगर हम कह रहे हैं कि 32 लाख करोड़ आपने भी बताया और सब जगह माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया इसका जी। अगर उसका 3 हिस्सा भी हो जाता है तो सोचिए 25 लाख करोड़ से ऊपर का होगा, तो 4 गुना हो गया हमारे बजट का जी। ये आज जो है हमारे पास युवा है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास पानी है, हमारे पास हाईवेज है, हमारे पास हवाई अड्डा है, हमारे पास वाटरवेज है, हमारा श्रम है यहाँ, तो बाहर जो हम क्यों भेजे है? जरूरत थी इन्वेस्टमेंट की, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंत्रियों के सहायता से खुद मेहनत करके दिन रात एक करके सबको बुलाकर यहाँ के संसाधनों को प्रयोग करने के लिए बुलाया और आज वो परिलक्षित और परिणति में बदलता हुआ दिख रहा है कि क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में जी। आज जो स्थिति थी, सबसे पहला काम किया इन्होंने, जो सपा के राज में और पिछली सरकारों के राज में गुंडा राज था उसको खत्म करके। अच्छा। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दो सवाल मेरे रहेंगे आपसे जी। तो आपने अगर की बात क्यों कही, अगर 70% होगा, अगर वाली शब्द यहाँ पर क्यों आया? दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निवेश आया है वो पश्चिम में सबके लिए, सबसे ज्यादा पश्चिम के लिए, लगभग 15 लाख करोड़, और उसके बाद अगर बात करें पूर्वांचल के लिए, यानी जहां जहां आपको लगता है कि 24 का चुनाव शायद थोड़ा सा मुश्किल है, वहां पर निवेश ज्यादा हुआ है, और अगर बात करें बुंदेलखंड की या मध्य उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर आपकी स्थिति मजबूत है और वहां पर केवल लगभग 4.25 लाख करोड़ का दोनों जगह निवेश की बात आ गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पश्चिम को और पूर्वांचल को बेहतर करने का यहाँ प्रयास किया गया है, चुनाव के माध्यम से भी और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री डेवलपमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है समिट के माध्यम से, या निवेशकों का जो रुझान है वो पश्चिम में और पूर्वांचल में ज्यादा है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अगर का जवाब अपने उसी वक्तव्य में दिया था कि कभी कभी कई विषमताएं आ जाती हैं
मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा सपोज एक आदमी वो करता है कि मान लिया जाए कि अगर इतना आज 32 लाख, हमने तो लक्ष्य क्या रखा था, आपने कहा 10 लाख करोड़ था, फिर 15 लाख हुआ, फिर 25 लाख हुआ, लक्ष्य तो हमारा वही था ना जी, बिल्कुल। लेकिन अब लोगों ने उत्साह दिखाया है, अच्छा आप उसकी बात करिए। इसमें से मैंने कहा कि अगर हम जमीन पर इतना इसका 75% भी उतार ले गए, देखिए ये एमओयू हुए हैं, बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये एमओयू हुए हैं जी, इसमें अगर हम 75% भी उतार ले गए, असली काम तो अब शुरू हो रहा है हमारा, बिल्कुल। जैसा कि पिछले इन्वेस्टर समिट में 4,28,000 करोड़ का हुआ था, विपक्ष भ्रम फैलाता है कि अभी 40,000 का हुआ, लेकिन उसमें 2,00,000 करोड़ के आंकड़े है मेरे पास जी, और आप मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं बता देता हूँ जी। 49,000 करोड़ की योजनाएं चालू हो चुकी हैं जी, 64,000 करोड़ की प्रक्रिया में है चालू होने की जी, 429 प्रोजेक्ट जो कि कुछ थोड़े बहुत है उसमें, जैसे कहीं की जमीन में पूरा काम नहीं हो पाया है, कहीं उसका निर्माण नहीं हो पाया है, कहीं कुछ कागज बच गया है, इसमें 86 लाख करोड़ की जो है वो है उसमें, सॉरी 86,000 करोड़ की, 86,000 करोड़ की परियोजनाएं बची हुई है, तो ये कुल मिलाकर होता है 2,00,000 करोड़। और इसमें मैं कुछ ग्रुप का नाम लेता हूँ, हीरा नंदानी डेटा सेंटर चालू है, ब्रिटानिया फूड प्रोसेसिंग चालू है, ब्रिटिश फूड कंपनी एबी मोरी चालू है, डिक्सन टेक्नोलॉजी चालू है, वन वेलेक्स चालू है, सूर्या ग्लोबल चालू है, मैक सॉफ्टवेयर यूएस की कंपनी है चालू है, एंकेग्रेटा कनाडा की कंपनी चालू है, और याकाजी 2,000 करोड़ की जापानी कंपनी का निवेश चालू हो चुका है। और दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आपने, दूसरा सवाल आपका क्या था, एक बार दोहरा दीजिएगा मुझसे। मेरा सवाल ये था कि पश्चिम में पूर्वांचल में निवेश ज्यादा। हाँ, बात जी 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 जी, जी। पूरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का हमारा है, हमने 45% दिया है पश्चिमांचल को, 29% दिया पूर्वांचल को, 13% मध्यांचल और 13% बुंदेलखंड को। देखिए हम किसी को बुलाने जाते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि आप कहाँ निवेश करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है नोएडा है, वहां पर सारे चीजें, डेटा सेंटर हो गया, अपैरल पार्क हो गया, मोबाइल की फैक्ट्रियां हो गई, वो सब चीजें वहां पर लगने के लिए है, तो वो निवेश ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश ज्यादा है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा निवेश हुआ। उसके बाद पूर्वांचल को जो हम पिछड़ा मानते हैं कि पूर्वांचल का हिस्सा पूरा पिछड़ा है, तो हमने उसको भी उभारने की कोशिश की है। अच्छा, बुंदेलखंड और मध्यांचल को भी हमने 13% नहीं सुनिए, बुंदेलखंड छोटा एरिया है, और 13% कितना होता है, 32 का करीब 4,00,000 करोड़ का, 4.5 लाख करोड़ कम नहीं होता है गौरव भाई। अगर 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाए तो हमको रनवे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नृत्य कराने की जरूरत नहीं पड़ी वहाँ, वो 100 करोड़ का जो बजट जाता था वो नाश होता था वहाँ। पर मैं अपनी बात से पहले एक बार आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर पलायन हुआ है अन्य शहरों में, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि वहाँ की खेती की स्थिति, वहाँ पर जो विकास की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्थिति बड़ी जर्जर है। मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई और बेहतर प्रभाव होना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी, आपकी क्या राय है, जिस तरह से यहाँ पर निवेश हुआ है और इतिहास रचा है, तो समर्थन क्यों नहीं कर रहे भाई आप लोग, क्यों आपको दिक्कत है, क्या दर्द है आप लोगों का भाई? देखिए गौरव भाई, कल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत ध्यान से सुना, और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था। अच्छा भाई, हम तो विपक्षी है माननीय प्रधानमंत्री जी के, कोई बात नहीं, विपक्ष को आप कहते ही है जी। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने उंगली उठाने का काम करा, माननीय कल्याण सिंह जी के कार्यकाल को, माननीय राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल को, अच्छा, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी के कार्यकाल को, अच्छा, ये तीनों मुख्यमंत्री भी बीमारू राज्य बनाने में बराबर के सहयोगी रहे, अकॉर्डिंग टू मोदी जी। ठीक, समझ गया मैं। ठीक, ये बात उनका विषय है, पहला विषय तो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे भाई अश्वनी जी बता रहे थे, मैं भी सदन की कार्रवाई इनको बताना चाहता हूँ। 2018 में जो उनका लखनऊ में समिट हुआ, उसमें 4,28,000 करोड़ के का इन्वेस्टमेंट का इन्होंने वादा करा, और 1,045 एमओयू साइन हुए। ठीक। लेकिन धरातल पर कितने उतर पाए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, इनके तब के उद्योग मंत्री सतीश महाना जी, उस समय जो उद्योग मंत्री थे, उन्होंने 28 फरवरी 2019 को सदन में बताया कि केवल 38,000 करोड़ के
हम लोग धरातल पर लाने में सक्षम रहे और 1045 एएमयू में से केवल 90 एएमयू फाइनल हो पाए। ये जमीन पे हकीकत सतीश महाना साहब तब दे पाए जी। ठीक, आज जो हमारी चिंता है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जो चिंता है, वो उन टैक्स पेयर का पैसा है। अच्छा। क्योंकि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है जो इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी गए, उसमें इनके मंत्री भी गए, एमएलए एमपी भी गए। तो वो गाड़ी कमाई है उस टैक्स पेयर की, उत्तर प्रदेश की, जो आप मैं और जितने हमारे पैनलिस्ट साथी जो टैक्स देते हैं। अच्छा। उसकी गाड़ी कमाई कहीं वो इनके सैर सपाटे में ना खर्च। अच्छा। हो जाए, ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है। अच्छा। और आज हम आपको बताना चाहते हैं बहुत जिम्मेदारी से, जी, इनके जो उद्योग मंत्री है आज उसका संचालन जो कर रहे हैं वो एक सजायाफ्ता व्यक्ति है, नंदी जी। एक अच्छा। साल की उनको एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा भी सुनाई है। अच्छा। ये प्रदेश भी जानना चाहता है क्या उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम ठीक से क्रियान्वित होगा नहीं होगा। अच्छा। एक विषय। हाँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछले कभी भी कोई व्यक्ति व्यापार करेगा, आप भी कोई अपनी ब्रांच खोलोगे तो निश्चित तौर पे पहले पता करोगे कि उस जगह जहां मैं ब्रांच खोलने जा रहा हूँ वहां पहले से जो लोगों को व्यापार कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। अच्छा। निश्चित तौर पे जब उत्तर प्रदेश के लोग निवेश के लिए आएंगे तो वो फीडबैक लेंगे जो पहले से हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं, और वो व्यापारी क्या अपनी वेदना बताएंगे, वो अपनी बताएंगे कि 72 घंटे से लगातार यहाँ पर छापेमारी चलती रही किसकी, जीएसटी की, और उसमें अवैध वसूली करते रहे इनके अधिकारी लोग। निश्चित तौर पे जब माननीय अखिलेश यादव जी उसमें आए और उन्होंने कहा हम व्यापारियों के साथ में है, तब इनकी सरकार बैकफुट पे गई और वो 72 घंटे की छापेमारी रोकने का काम हुआ। ठीक। तो निश्चित तौर पे हमारी बहुत सारी चिंताएं हैं। अच्छा। और बाकी एज ए विपक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो सरकार रचनात्मक कार्य करेगी तो हम उसमें सहयोग करने का काम करेंगे, और जहां जनता के हितों से टकराव होगा तो सड़क से सदन तक संग्राम होगा जो कि दिखाई दे रहा होगा। मेरा दो सवाल है, मेरा तो दो सवाल रहेंगे कि इससे पहले उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ब्रेस नहीं गया क्या? जी बताएं। पार्टी खड़ती पे ज्यादा रहेगा। हेलो, इससे पहले उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ब्रेस दौरे पे नहीं गया क्या? भवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रेस दौरों पे गए, इससे पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री ब्रेस दौरों पे नहीं गया क्या? क्या वो पार्टी खर्चे पे जाते? जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेश में दौरे में जाए। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम ये कह रहे हैं वो जो टैक्स पेयर का पैसा है वो कितना, जैसा कि अच्छा, पार्टी के खर्चे में जाते थे क्या इससे पहले मुख्यमंत्री? पार्टी खर्चे में जाते थे निश्चित तौर पर। मुख्यमंत्री और मंत्री उनके किसी के भी सरकार हो वो निश्चित तौर पर सरकार के खर्चे पर जाने का काम करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है मजबूत विपक्ष के होते अच्छा। तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि जो पिछला एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे आपको निकाल जी, के दी। जी भवन जी, अभी आपको बता दूं, रोड शो हुए हैं जिले जिले में, रोड शो किए गए हैं, जितना बड़ा निवेश आया है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सरकार द्वारा रोड शो कराया गया, और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं या वहाँ स्थानीय व्यापारी हैं उन्होंने भी इस इन्वेस्टर समिट में निवेश किया है, और कवरेज करते समय मालूम पड़ा है जिले जिले से लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए आए हैं। तो अगर व्यापारी वर्ग के अंदर डर है तो निवेश क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं ये उसी तरह की बात है जैसे कि ये अपने वादे को लेकर आए थे और इन्होंने कहा था कि हम लोग किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की हत्या करने का काम करते हैं इनके मंत्री लोग ही, उनके बेटे ही, और निश्चित तौर पे ये जो धरातल पे कितने निकल पाए। आपकी आपके मेरे को लग रहा है गौरव भाई 15 लाख अकाउंट में आ गए, मुझे लग रहा है मुझे आपका अकाउंट चेक करवाना पड़ेगा। आ गए, आ गए, कह रहे हैं कि ये लोग जो कहते हैं आ गए 15 लाख रुपए, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ गए। और आय भी आपकी दुगनी होगी, क्योंकि मूलभूत रूप से मैं, अश्वनी भाई और आप, हम लोग एक ना, हमारे हमारा मानना है कि हम लोग मूल रूप से जो डीएनए हमारा सबका वो किसान का है। अच्छा। मैं किसान नहीं तो मेरे पिताजी जी तो दादा किसान जरूर रहे होंगे। अच्छा। तो हमारी किसानों की आय भी जो दुगनी कर दी होगी। अच्छा। किसानों को 15 दिन में गन्ने। अच्छा, आपके 15 लाख आए कि नहीं आए? अरे आपके 15 लाख आए कि नहीं आए? मेरे तो आ गए, आपके आए कि नहीं आए? मेरे तो नहीं आए। मैंने कहा छोटे भाई गौरव भाई के आ गए, आपके जब आपके नहीं है तो मेरे कैसे आ जाएंगे जी? आप संतुष्ट लग रहे हैं ना, तो ये है कि जमीन में कितनी। मैं संतुष्ट कहूं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो अश्विनी भाई से भी कहा था आगर की बात पर, उनसे भी सवाल पूछा था, बुंदेलखंड पे कम निवेश किया गया उसका सवाल ही पूछा था। अब आप अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आपको लगता है 15 लाख आ गए? समस्या तो यही है ना, थोड़ा मीडिया पे भी भरोसा रखना सीखे भाई, हर मीडिया बराबर नहीं होती भवन भाई। गौरव जी मीडिया पे तो भरोसा सबका। अभी आप बोल रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए,
अगर सवाल पूछ रहे तो पटना का अकाउंट में भेज देंगे क्या मेरे? ठीक है चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपकी सरकार आई आप कितना व्यस्त है वो भी देखेंगे। ठीक है प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह, आपका क्या जवाब है भाई, इन्वेस्टर समिट भी इतिहास रचा गया, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले इस इन्वेस्टर समिट में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी जी, जी योगी जी, जी सरकार की, खाद पानी अच्छा के तारे जी गौतम अडानी साहब को ये निगाहें सबकी खोजती रही जी। उन्होंने पिछले साल जैसे 70,000 करोड़ का मिथ्या में घोषणा की थी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, विभिन्न विभिन्न सेक्टर में, डिफेंस और लॉजिस्टिक में, सोलर एनर्जी में वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो मूर्त रूप उनका चेहरा ही नहीं दिखा, पता नहीं, उनका बयान आया है, पता नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि हम पहुंचे भले ही नहीं है पर जो हमने कमिटमेंट किया है सरकार से, अच्छा 22,000 से ज्यादा का एमयू हम साइन करेंगे और निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सम्मानित टैक्स पेयर लोग ये जानना चाहते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार के जो मुख्य ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए उद्योगपति हैं, इनके आंख के तारे हैं, वो इतना उपेक्षा से, इतनी असहमति, असंतुष्टि, या इनको विश्वास क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी पर? क्योंकि इनकी अंदर खाने की बात है, ये सोचने का विषय उन सब लोगों के ऊपर है, उनके विवेक पर है, और पूरी जनता के मन में ये कौतूहल और शंका का विषय है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को जो न्याय मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश को जो विकास, जो दावा, सिर्फ दावा किया जा रहा है, कोरा दावा किया जा रहा है। और इनके सतीश महाना जी ने जब खुद 1/10 से भी कम मूर्त रूप दे रहे हैं, वो उन्होंने जब संसदीय भाषा में जवाब देते हुए विधानसभा की कार्रवाई में कहा, तो आप सोचिए कितनी अफसोसजनक और चिंताजनक बात है। तो इससे लगातार, और रही कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था की बात कहीं से छुपी नहीं। देखिए दो तीन मुख्य बिंदु है, मैं उस पर आके फिर बात पर आऊंगा। जल्दी बोलिए। कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी जब इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो सहूलियत अपनी खोजता है। अच्छा। सबसे पहले जो सरकार है प्रदेश की, वो साफ मन से पूंजीपतियों को नियमगत तरीके से उनको छूट दे, कोई पूर्वाग्रह, कोई आरोप प्रत्यारोप, या उसकी उस उद्योगपति की विचारधारा, उसकी राजनीतिक जो सोच समझ है, उसके आधार पर फैसले ना ले। अच्छा। तो यहीं पर इस सरकार में, इस सरकार की संदिग्ध भूमिका है। अच्छा। इसके चलाने वाले मुखिया चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों। अच्छा। इसलिए ये हाल हुआ है। अगर आप आंकड़ों पर बात करेंगे, प्रोफेसर भुवन और अश्विनी शाही जी भी सहमत होंगे, क्योंकि ये लोग आंकड़ों के जानकार भी हैं। अच्छा। पिछले मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में ऐसी विचित्र स्थिति बनी है देश में कि जो संपन्न लोग थे हमारे, 70% से ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट या तो शिफ्ट कर चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, या उन्होंने कम कर लिया है, नया री इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अच्छा। ये सच्चाई है। लेकिन इस सब जो ठोस बातें हैं, प्रमाणिक बातें हैं, सिद्ध बातें हैं, उसके बाद भी अगर ये कोई सरकार झूठ जुमले के आधार पर, डबल इवेंट वाली सरकार है। अच्छा। इसका हम इसको क्रेडिट दे सकते हैं। अच्छा। डबल इंजन तो आज तक कहीं नहीं पहुंचा। 32,92,000 करोड़ की जो बात है वो झूठी है, बिल्कुल झूठी है। अच्छा। बिल्कुल झूठी है। रही बात कानून व्यवस्था, मैं देखिए प्रमाण के साथ बोलता हूँ। अच्छा। आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं, अश्विनी जी देख ले, मेरे साथ व्यक्तिगत परसों की ये घटना है। अच्छा। मैं गोरखपुर मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गया था गौरव जी। अच्छा। मेरा एक शादी अटेंड करने, वहां से मेरा लैपटॉप बैग, लैपटॉप सहित और फोन चोरी हो गया। अच्छा। अब मुख्यमंत्री जी के जिले की कैंट थाने के मामले की स्थिति देखिए, लगातार 3 दिन अथक प्रयास के बाद भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अच्छा। जब मैंने वहां संबंधित अधिकारियों को, थाना प्रभारी से बात किया, तो उन्होंने केवल एक रिटर्न इतना अथक केवल लिया और मुझे ये दे दिया, ये कागज। एफआईआर कॉपी है क्या? नहीं, एफआईआर कॉपी नहीं, छोटी कॉपी। ये एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। अब इस पर विवेचना करेंगे, डबल इंजन सरकार के सारे लोग, कमांडर इस पर विवेचना करेंगे। अच्छा, अच्छा। तब इसको सत्यापित करके कहीं अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो जाएंगे। उसके बीच में भले मुझे आपकी डिबेट छोड़ के, नहीं मुझे महीने में भले आपकी डिबेट छोड़ के, जन सरोकार के मुद्दे को छोड़ के मुझे 10 बार जाना पड़े। अच्छा। वो यही चाहते हैं, इतना तो आ नहीं पाएंगे। अच्छा। पैर भी करेंगे नहीं, लेकिन मैंने 3-4 दिन और मैं देखूंगा, उसके बाद मैं कोर्ट के थ्रू मैं एफआईआर कराऊंगा। ये कानून व्यवस्था का आलम है। अच्छा अच्छा। ये हमारे आप जैसे लोगों के साथ जब ऐसी स्थिति है तो आप सोच रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का मामला है। अच्छा। और ये उनके, ये जजेस कंपाउंड स्थित एक लॉन है, वहां का मामला है। अच्छा। मैंने इसलिए कोर्ट किया, तो इस असुरक्षा के वातावरण में, इस अनिश्चितता के वातावरण में, इस बेलगाम ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के वातावरण में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा।
कौन आपने देखा गोरखपुर, ये किसका फिर आंकड़े, कौन आए हैं वहां पर जो आए हैं, वहां पर भाषण दिए हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें कही हैं, 18,643 एमयू हुए हैं, ये कौन कर गया? देखिए अपनी पीठ तो थपथपानी है, जनता में तो व्यापक असंतोष है, फर्जी एमयू हुए क्या? हमारे जो पारंपरिक रूप से धंधे पानी में व्यवसाय में लोग हैं उनसे आप हालत पूछिए, आप किसी भी व्यापारी बंधु से उसकी बात जवाब लेते हैं, बहुत स्थिति दयनीय है। तो उस सबको छुपाने के लिए इन्होंने एक बड़ा स्वांग रचा है, खेल रचा है। साईं जी स्वांग है आपका, आप लोगों का 32,92,000 करोड़ का स्वांग रचा है आप लोगों ने, ऐसा कहना है प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह का जी। अरे विनोद सिंह जी तो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको स्वांग लगता है। तो एक स्वांग जो है कल आपने देखा भी होगा कि अशोक गहलोत जी ने भी रचा। अच्छा अच्छा, उनको यही नहीं पता है कि इस साल का बजट पढ़ रहे हैं कि पिछले साल का। अच्छा, ऐसे ऐसे तो कांग्रेस में नेता है। अच्छा, उस जादू को देखें तो कम से कम ज्यादा अच्छा जादू था वो। अच्छा, वो बहुत भारी जादू था भाई, अब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और कोई व्यक्ति जो है पिछले साल का बजट पढ़े, ऐसे गलती आज तक आपने देखा इतने बड़े पत्रकारिता के जीवन भाई में? मैं तो नहीं देखा भाई, कभी देखा हो तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। तो जादू तो कांग्रेस के लोग करते हैं। अच्छा, जादू कांग्रेस के लोग तब करते हैं जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो है शपथ ग्रहण रहता है और वहां पर एक मंत्री की जेब काट ली जाती है। अच्छा, तो वहां भी जादू एक होता है। अच्छा, और विनोद भाई यहाँ की बात कर रहे हैं। अरे विनोद भाई ऑनलाइन आजकल FIR हो रही है और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं और अंत में तो 156-3 है ही है। खैर उसकी बात नहीं है, दूसरा जो जिससे आज हमारा प्रदेश गदगद है हम उसकी बात करें। ठीक है, अडानी के नाम पर ये लोग आ जाते हैं। मैं इनको एक आपको और वाकया याद दिला दूं, 2005 में 56वें नंबर के व्यापारी हुआ करते थे अंबानी जी। अच्छा, और 2008 में आते आते वो 5वें नंबर के व्यापारी हो गए। ठीक, और उनके भाई जो है 6वें नंबर के व्यापारी हो गए पूरे विश्व में। ठीक, इसकी सरकार थी क्या, उनको लाभ मिला, ये सब चीजें यही हुई। उनका जहाज पर जो है अंबानी के जहाज पर रसिया किसके उससे गई थी आदरणीय सोनिया गांधी जी। तो बहुत सी चीजें हैं जो ये लोग भूल जाते हैं कांग्रेसी। अच्छा, अब आता हूं मैं इन्वेस्टर समिट पर। जी, इन्वेस्टर सबमिट के पहले जो अगर कभी चलना हो तो आपकी टीम के साथ हम चले झांसी में, कितना बड़ा सोलर पार्क अडानी जी लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट पिछली बार हुआ था उसका। जी, मिर्जापुर में सोलर उनका प्लांट का काम चल रहा है। जी, लॉजिस्टिक पार्क का काम जो है नोएडा में उनका चालू है। जी, तो ये इन्वेस्टमेंट हुए हैं। बिल्कुल, मैंने गिनवाया है। जी, और समाजवादी पार्टी ने जी 2014 में 2015 में 20,000 करोड़ और 30,000 ऐसे कुछ 50,000-60,000 करोड़ का किया था। 1,000 करोड़ का भी अगर वो प्रोजेक्ट गिना दें कि यहाँ पर लगा है उसमें का। अच्छा, लोग कहते हैं कि 3,000 का लगा है लेकिन लगा नहीं है। अच्छा, ये आंकड़े बताते हैं। तो लेकिन वही मैंने बताया कि अगर सैफई में वो, मैं बार बार क्यों उसका नाम ले रहा हूँ गौरव जी आप ध्यान दीजिएगा, मैं हवाई अड्डा अगर ये बनवाते तो मैं कभी नाम ना लेता। अच्छा, लेकिन सिर्फ रनवे बनाकर छोड़ दिया गया। आखिर आप किसकी किसका जहाज उतरता है? अच्छा, सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग वहां हुआ उस रनवे को बनाने में, अगर सैफई में हवाई अड्डा बनता जहाज उतरते कुछ नहीं था। अच्छा, अपना जहाज उतारने के लिए, अपने मित्रों का जहाज उतारने के लिए, वहां नर्तकियों के नृत्य कराने के लिए वहां पर वो रनवे बना दिया गया। तो ये विकास ये लोग करते थे वहां। आज समाजवादी पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मारा है, तभी यह तिलमिलाहट है जो काशी से भी आवाज आ रही है और भाई भुवन जी की भी आवाज आ जा रही है। 15 लाख करोड़ भी आ रहे हैं जी, 15 लाख करोड़ भी आ रहे हैं मेरे पास तो आ गए भाई। देखिए 15 लाख का भी मैं जवाब दे देता हूँ, 15 लाख हर खाते में उस दिन आ गए थे जिस दिन धारा 370 को हटाया गया था। 15 लाख उस दिन आ गए थे खाते में जिस दिन चीनी सेना को हमारे सैनिकों ने पटक कर मारा था। 15 लाख उस दिन आ गए थे जिस दिन बालाकोट में घुसकर पाकिस्तान के घर में मारा गया था। 15 लाख उस दिन आ गए थे जिस दिन अभिनंदन हमारा मूछों पर ताव देता हुआ वापस आया था। 15 लाख क्यों नहीं आया? 15 लाख कांग्रेसी राहुल गांधी के कहने पर कि हमारी सेना पिट रही है। आपकी बात पर भाई भुवन भास्कर जी हंसेंगे, क्यों नहीं हंसेंगे? अच्छा, क्योंकि भुवन भास्कर जी तो गायत्री मंत्र वाले हैं। अच्छा, ये तो गायत्री मंत्र पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज देखिए हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश कहां से कहां जा रहा है, एक 1 ट्रिलियन के बनने की तरफ जा रहा है और इन लोगों को हंसी इसलिए आ रही है, ये हंसी
रोने और चित्कार में बदलने वाली है। अच्छा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इतना मजबूत यहाँ पर खूंटा गाड़ देंगे कि समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी और सिर्फ भाजपा की सरकार चलती हुई नजर आएगी। यहाँ से चले गए, लौट के नहीं आएंगे, या खूंटा बीजेपी ने गाड़ लिया, अब आप लौट कर नहीं आ पाएंगे और अब आपके चीत पुटकार करने के दिन आ रहे हैं, चीतकार करेंगे आप लोग। देखिए ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सोचते थे जब लास्ट इनका जो सूर्यास्त लोगों ने सोचा अंत हो गया। अच्छा। और राम प्रकाश गुप्ता जी के रूप में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और कानून का विद्यार्थी हूँ, अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, तो राम प्रकाश गुप्ता के बाद सब लोगों ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो गया, लेकिन योगी जी के रूप में आए ना। अच्छा। मैं शायद मेरे से थोड़ा अश्विनी जी उम्र में छोटे होंगे, सत्ता कभी किसी की परमानेंट नहीं होती, कांग्रेस कहा करती थी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उनका हाल आपने देख लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी सर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के नहीं विश्व के नेता थे, उनके पतन को भी आपने देखा है। अच्छा। निश्चित तौर पे मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आप और हम और माननीय गौरव जी और जितने हमारे कांग्रेस और अन्य साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, ये योगी सरकार और मोदी के पतन को भी आप देखेंगे। मनोज सिंह आप कुछ बोल रहे थे, मुस्कुराते हो क्या? नहीं, बिल्कुल सरकार की मंशा, इनके नेताओं का झूठ फरेब सामने आ गया है, आंकड़ों की बाजीगरी इनका स्वभाव है। अच्छा। बिल्कुल हम आप इस सकारात्मक बदलाव के साक्षी होंगे। कैसे आए? देखिए मैं भुवन जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अरे अश्विनी साहब बताया जाए, पन्ना लग कैसे आया? अब क्या कांग्रेस के पास अपनी बात बढ़ाने के लिए कुछ रहने गया? नहीं, क्या नहीं, क्या बात को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए सकारात्मक वातावरण जो बना है, जो क्रांति आई है, जो वैचारिक सोच बदली है और जो शक्ति मिली है इनकी झूठ जुमले तानाशाही के खिलाफ। अच्छा। वो ऊर्जा सब में संचालित हो रही है। अच्छा। वो अश्विनी शाही जी में भी संचालित हो रही है। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी को अखिलेश जी नेता ही नहीं मान रहे हैं। अच्छा। वो अलग का विषय है, देश में हम अलग हो गया। देखिए गौरव, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, हम सब अति शीघ्र साक्षी बनेंगे, एक नया सवेरा होगा और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो खामियां है, जो है, जो 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 इनकी अयोग्यता है, जनता उस सब के खिलाफ पूरा मन बना चुकी है और जनारोष सामने निकल के आएगा। अच्छा, और नया भारत नया सवेरा देखेगा। 24 में आएगा क्या? वो कब आए, वो जनता के विवेक का मामला अति शीघ्र आएगा। और ये सत्ता का अहंकार जो है, सुनिए, सत्ता का अहंकार जो है यही इनके दमन का कारण भी बनेगा। ठीक है, साईं जी बोला 24 सीटें नहीं आएगी आपकी 24 में। अब शाही जी बोल सकते हैं, भाई सत्ता का अहंकार है, सत्ता का घोड़ा दौड़ता है तो वो आंधी तूफान की तरह कुछ देखता तो है नहीं अगल बगल। तो बस ठीक है, उस समय स्वतंत्र है। ठीक है, फिलहाल घोड़ा 2014 से दौड़ रहा लगा था। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने चर्चा की इन्वेस्टर समिट की, इतिहास की। इन्वेस्टर समिट ने इतिहास रचा 32,92,000 करोड़ का। अब कितना यहाँ पर विकास होगा, कितने प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में निहित है और भविष्य ही बताता है कि क्या सही था और क्या गलत था। पर एक बात तो साफ है कि अगर मनसा बेहतर हो, नीति बेहतर हो या रणनीति बेहतर हो तो निवेश तो आता ही है और जो लक्ष्य है वो भी बढ़ता चला जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि उस लक्ष्य से सापेक्ष कितना लक्ष्य और कितने रोजगार और कितना निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरेगा, ये बड़ा अच्छ प्रश्न है। विपक्ष का काम है आरोप और वो आरोप चलते रहेंगे, पर जिस तरह से बीजेपी अपने नीतियों पर और अपनी कार्ययोजनाओं पर काम कर रही है, निश्चित रूप से आने वाला समय फिर विपक्ष के लिए मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अभी निकाय चुनाव भी होने हैं, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं आम चुनाव भी होने हैं। परचम उसी का लहराएगा जिसको मिलेगा जनाधार। और वास्तव में अगर संघर्ष करना है तो धारधार पर करना होगा विपक्ष को, अन्यथा जो परंपरा चल रही है वो चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।